अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल गोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। तो गाइस, मैं ना मैंने सहित आपको स्वागत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल में। तो गाइस, इस बात करने वाले टॉप 7 प्लस ऐसे स्मार्टफोन जो कि फाइनली मार्च मंथ में लॉन्च होंगे। तो होंगे, मैं गाइस ऐसे स्मार्टफोन्स नहीं बताऊंगा कि जो कि हो सकता है, मैं ये बताऊंगा कि होगा तो होगा। ऐसे आपको 15 स्मार्टफोन्स बताएंगे, कोई 10 स्मार्टफोन्स ऐसे बताऊंगे, प्लस 10 स्मार्टफोन्स, प्लस 15 स्मार्टफोन्स जो कि फाइनली फरवरी मंथ में, मार्च मंथ में लॉन्च हो सकते हैं। तो गाइस, मैं ऐसे आपको बताने वाला नहीं हूँ, मैं ये बताऊंगा कि ये 100% चांस है कि ये स्मार्टफोन्स फाइनली मार्च मंथ में लॉन्च होगा तो होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्मार्टफोन्स है, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो कि फाइनली मार्च मंथ में लॉन्च कर रहे हैं, जिसके लिए आप कौन कौन से ब्रांड्स के लिए आप वेट करें। और बहुत से गाइस देख रहे होंगे वीडियोस, बहुत से गाइस को अलग अलग तरह के ब्रांड्स पसंद होंगे। प्लीज़ अपना कमेंट्स विचार जरूर दीजिएगा कि कौन से ब्रांड्स आपको पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन, सबसे पहले ब्रांड्स की बात की जाए तो रेडमी की तरफ से लॉन्च किए जाएंगे रेडमी नोट 10, जो कि फाइनली कंपनीज के थ्रू ट्वीट किए गए हैं कि ये 4 मार्च को शेड्यूल कर दिया गया और ये फाइनली 4 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं। इसके स्पेसिफिकेशन आपको कुछ ये तरह के देखने को मिल सकते हैं और ये फाइनली 100% चांस है कि ये आपको मार्च मंथ में 4 मार्च को या फिर 5 मार्च को एज लाइक आपको देखने का स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे इंडियाज में। नेक्स्ट स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो रियलमी की तरफ से, जब भी रेडमी लॉन्च होता है, रियलमी लॉन्च होता ही है, तो इस बार रियलमी का 8 सीरीज स्मार्टफोन जो कि फाइनली मार्च मंथ में आने वाले हैं, जिसका प्रचार एज लाइक सलमान खान के हाथों में देखा गया है कि ये प्रचार करेंगे। लेकिन हालांकि 6 सीरीज और 7 सीरीज का स्मार्टफोन देखे थे जो कि प्रचार सलमान खान द्वारा किए गए थे, और इस बार भी लगता है कि रियलमी 8 सीरीज का स्मार्टफोन जो कि सलमान खान के हाथों ही प्रचार होंगे। एज लाइक ये क्यूरेट नहीं है कि हाँ ये फिक्स नहीं है कि एज लाइक सलमान खान ही करेंगे, बट इस बार लगता है कि हाँ 8 सीरीज का भी स्मार्टफोन जो कि सलमान खान के हाथों के थ्रू ही ये भी आपको प्रचार किए जाएंगे। और ये भी फिक्स है कि 100% का चांस है कि आपको ये भी स्मार्टफोन 8 सीरीज का, रियलमी 8 सीरीज का स्मार्टफोन जो कि आपको मार्च मंथ में देखने को मिल जाएंगे। तो ये 2 स्मार्टफोन जो कि 100% चांस है। उसके बाद तीसरे स्मार्टफोन की बात की जाए तो सैमसंग की तरफ से लॉन्च किए जा रहे सैमसंग गैलेक्सी A32 सीरीज, एज लाइक A52 भी सीरीज बताया जा रहा है कि मार्च मंथ में लॉन्च होगी, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि ये लॉन्च होगी या फिर नहीं होगी, बट आई एम श्योर 100% श्योर है कि सैमसंग गैलेक्सी A32 सीरीज जो कि स्मार्टफोन है वो फरवरी मार्च मंथ में जरूर ही लॉन्च होंगे। और इस कंफर्म है कि आपको मार्च मंथ में सैमसंग की तरफ से A32 का सीरीज, ए सीरीज का स्मार्टफोन जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन आपको कुछ इसी तरह के देखने को मिल सकते हैं जो आप फाइनली डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। नेक्स्ट अगर स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो वीवो की तरफ से भी लॉन्च करने की बात की है वीवो X60 सीरीज का स्मार्टफोन जो कि फाइनली आपको मार्च मंथ में देखने को मिल जाएंगे। और इसका आपको बता दिया 99.9% है, लाइक 100% चांस है कि भी आपको मार्च मंथ में जरूर ही ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। इसके भी स्पेसिफिकेशन काफ़ी किस्म का दिए गए हैं जो कि आप इसमें हैवी यूजर्स भी गेमिंग भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन इसका भी कंपेरिजन, सभी स्मार्टफोन्स का कंपेरिजन आपको एक एक करके आपको सभी मिलेंगे आफ्टर लॉन्च होने के बाद, और कोशिश किए जाएंगे कि आपको अनबॉक्सिंग्स और रिव्यू भी दे जाएंगे। हैज लाइक आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू उतना इज नॉट पॉसिबल, बट आपको कंपेरिजन से 100% श्योर है कि मैं जब भी लॉन्च होंगे तो उसका कंपेरिजन आपको एक स्मार्टफोन से करूँगा कि जो कि स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग हुआ स्मार्टफोन कितना हैवी यूज हो सकता है या फिर नहीं, उसका एक स्मार्टफोन का जरूर हम कंपेरिजन करेंगे। तो वेट कीजिए आफ्टर लॉन्च। नेक्स्ट स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो ओप्पो की तरफ से लॉन्च किए के बात कही है ओप्पो एफ सीरीज का, ओप्पो एफ 19 सीरीज का स्मार्टफोन जो कि बताया जा रहा है कि लॉन्च होगी, और एक और सीरीज बताया जा रही थी इज नॉट कंफर्म, बट ओप्पो एफ 19 सीरीज जो स्मार्टफोन है वो मार्च मंथ में इज कंफर्म है और ये फिक्स है कि ये मार्च मंथ में जरूर आएंगे, क्योंकि फरवरी में बताया जा रहा था ओप्पो एफ सीरीज का स्मार्टफोन, ओप्पो एफ 19 सीरीज जो कि लॉन्च होगी बट नहीं लॉन्च होंगे। और इसके स्पेसिफिकेशन कुछ यू तरह के देखने को मिल सकते हैं मार्च में जो कि लॉन्च होने वाले हैं फाइनली। इसमें भी आपको काफी गजब्स का कैमरा परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको काफी ऑसम है यहाँ पे देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट जो कि स्मार्टफोन से वो वन प्लस की तरफ से वन प्लस इन 100 इन 10 जो कि फाइनली फरवरी मंथ में लॉन्च करने की बात कही थी, मार्च मंथ में फाइनली लॉन्च नहीं होने वाले। लेकिन अगर आपको कोई बता रहे हैं कि वन प्लस इन 100 और इन 10 जो कि मार्च मंथ में लॉन्च होंगे, तो ये आपको कंफर्म नहीं कि ये जो कि स्मार्टफोन आने वाले हैं। तो इसकी तरफ आपको आने वाले हैं वन प्लस की तरफ जो स्मार्टफोन है वो वन प्लस का 9 सीरीज स्मार्टफोन है जो कि फाइनली मार्च मंथ में लॉन्च हो जाएंगे। और उसके बाद बात की जाए तो Asus की तरफ से बताया जा रहा है Asus ROG Phone 5 सीरीज का स्मार्टफोन जो कि आपको स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 3 सीरीज का स्मार्टफोन जो कि लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन Asus ROG Phone 5 सीरीज का स्मार्टफोन जो कि मार्च मंथ में जरूर आएंगे, क्योंकि इसका भी फोटोज लीक हो चुके हैं और इसके स्पेसिफिकेशंस भी कुछ यूं तरह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी स्मार्टफोन जो कि 100% चांस है कि ये सारे स्मार्टफोन जो कि मार्च मंथ में लॉन्च होंगे। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो कि IQ7 सीरीज भी स्मार्टफोन जो कि मार्च मंथ में लॉन्च होंगे और ये भी 100% चांस है। तो गाइस यही 7 प्लस स्मार्टफोन्स थे जो कि मार्च मंथ में फाइनली लॉन्च होने वाले हैं, जिसके स्पेसिफिकेशंस भी आपको लोगों ने काफ़ी देखा ही होगा, और ये आपको लॉन्च होने के बाद आपको इसके कंपेरिजन जरूर मिलेंगे और इसकी कोशिश किया जाएंगी इस बार आपको अनबॉक्सिंग्स और रिव्यू भी दिए जाएंगे। लेकिन आपको कंपेरिजन ये 100% श्योर है कि आपको कंपेरिजन जरूर मिलेंगे आफ्टर लॉन्च। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको कौन कौन से ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स लेना चाहिए और आपको कौन से ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स आपको पसंद है, प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में विचार दें, ताकि मैं भी देखूँ कि कौन से ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स के कितने सपोर्टर्स हैं और कौन से ब्रांड्स को कितने ज़्यादा लोगों ने पसंद करता है, ताकि मैं उस पर ज़्यादातर फोकस कर सकूँ कि हाँ कौन से ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स को ज़्यादातर फिर से लिया जाए। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में सक्सेस में कमेंट्स में विचार करना बिल्कुल अगले। और गाइस मेन पॉइंट्स तो भूल गए कि क्या, इस मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो कि मार्च में स्मार्टफोन्स खरीदने के लिए वेट करें उसकी तरफ वो ये वीडियोज मूव हो और वो वीडियोज देखें और ये 7 प्लस ब्रांड्स में से कोई एक ब्रांड्स को चूज करें जो कि ब्रांड्स उसको पसंद आए। तो प्लीज़ इस वीडियोस को अपना शेयर दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया इंस्टाग्राम का, तो वहाँ पे जाए और वहाँ पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।